चालू चलो। तो दोस्तों ये देखो, ये जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ बोले भैया। जन्माष्टमी की सबसे पहले तो समस्त देशवासियों को जन्माष्टमी की श्री कृष्ण के प्रकटोत्सव के शुभ अवसर पर पूरे देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। दोस्तों मौत चल रही है, नहीं चल रही है, मौत चलती रहनी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों आज मेरी यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करने का रीजन ये है कि आज मैं जा रहा हूँ अपने गांव। दोस्तों गांव में आपको तरह तरह के मेरे दोस्त देखने को मिलेंगे, सभी से मिलाऊंगा मैं आज आपको। और मेरा गांव अभी मैं यमुना एक्सप्रेस से नीचे उतरा हूँ और मैं अलीगढ़ की तरफ जाऊँगा और आज आपको वहाँ की जन्माष्टमी दिखाने वाला हूँ। मैं जन्माष्टमी हमारे यहाँ कैसी बनती है, हमारे यहाँ की जन्माष्टमी फेमस है मथुरा वृंदावन की तरह, ठीक है दोस्तों। तो ये अब हम आ गए रोड पे अलीगढ़ वाले पे और अब हम अलीगढ़ वाले रोड पे चल रहे हैं अपने गाँव की तरफ, ठीक है दोस्तों। तो बने रहें पूरी वीडियो में और जो भी नए हैं हमारे चैनल पे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें क्योंकि आने वाली वीडियो आपको और भी बेहतरीन मिलने वाली हैं। और आज मैं आपको जन्माष्टमी के ऐसे सुंदर सुंदर मंदिर, ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर झांकियां दिखाने वाला हूं कि आपको आनंद आ जाएगा वीडियो देख के, वीडियो पूरी देखना जरूर, ठीक है दोस्तों। तो चलो चलते हैं और पहुँचते हैं अपने गाँव की तरफ और फिर मिलाते हैं आपको अपने दोस्तों से और अपने गाँव का आपको कल्चर दिखाएंगे, हमारे गांव का कल्चर कैसा है और गांव के लोग कैसे हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलो चलते हैं और पहुंचते हैं गांव की तरफ। बारिश स्टार्ट हो गई। आ गए हम खाटू श्याम मंदिर। ये खाटू श्याम का मंदिर बना है नया और आप देख सकते हैं कितना भव्य, कितना प्यारा, कितना सुंदर मंदिर लग रहा है। और चलते हैं आपको इसके अंदर से दर्शन कराएंगे, ठीक है, मिल जाएगा सभी। यहाँ पे सभी प्रसाद वगैरह मिल जाएगा जो ठाकुर जी पे और खाटू श्याम जी पे चढ़ता है। तो जो भाई श्याम प्रेमी है यहाँ पे एक बार अवश्य आए और दर्शन करें श्याम प्रेमी। अभी अंदर मंदिर में चल रहे हैं और कितने बजे तक खुलता है? सुबह 5 बजे से 12 बजे और शाम को 4:30 से 9, 4:30 से 9 बजे, रात को 10 बजे तक। तो श्याम प्रेमियों ये मंदिर का एक टाइम टेबल है, बाकी आपको मंदिर के अंदर से दर्शन कराते हैं। चलते हैं मंदिर में अंदर और कराएंगे भी आपको दर्शन। झांकी का आ गए हैं मंदिर प्रांगण के अंदर। ये इसमें कैंटीन टाइप की भी बनाई है, इसमें आपको प्रसाद वगैरह सब कुछ मिल जाएगा यहीं पे देसी घी का। बहुत ही सुंदर और भव्य मंदिर है और ये यहाँ के मेन आदमी हैं, मेन कर्मचारी भी कह सकते हैं, मेन पंडा भी कह सकते हैं। तो चलो बात करते हैं और आपको दिखाते हैं संपूर्ण मंदिर, ठीक है, चलो अभी करते हैं। और आज जन्माष्टमी के पर्व पे आपको कराते हैं श्याम बाबा के दर्शन। ये दोस्तों आप देख सकते हैं ये शिव परिवार के दर्शन करिए सबसे पहले। जय शिव शंभु, जय शिव शंभु, जय शिव शंभु। दोस्तों शिव परिवार के दर्शन करिए सबसे पहले। मंदिर बड़ा ही सुंदर और भव्य बनाया है, अच्छी अच्छी कलाकृतियाँ बनाई हुई हैं दीवारों पे।
दोस्तों आप देखिए, करिए दर्शन। बोले श्याम प्यारे की, बोले खाटू नरेंद्र की, बोले तीन बाण धारी की, जय जय श्री श्याम, जय जय श्री श्याम। दोस्तों देख लिया हमने मंदिर, बाकी आपको जानकारी हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे इसका एड्रेस। आप जब भी अलीगढ़ की तरफ जाए या एयर की तरफ जाए, जो भी भाई अलीगढ़ की तरफ जाने वाले हैं, तो 40 से जस्ट पहले ये मंदिर खाटू श्याम का, खाटू नरेश का आपको यहाँ पे मिलेगा। अगर जो भी भाई आए तो एक बार दर्शन, खाटू श्याम जट्टारी धाम, खाटू श्याम जट्टारी धाम के नाम से ये मंदिर है। और दोस्तों जो भी भाई यहाँ पे आ रहे हैं वो भाई एक बार दर्शन अवश्य करें, ठीक है दोस्तों। चलते हैं, तो बढ़ते हैं आगे और बताएंगे आपको आज बहुत अच्छे अच्छे मंदिरों के दर्शन, क्योंकि हमारे गांव में जन्माष्टमी बड़ी ही प्यारी है, बड़ी सुंदर मनाई जाती है। तो मैं आपको आज पूरी जट्टारी के मंदिरों के और सारे भक्त दर्शन कराऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो बने रहिए हमारी पूरी वीडियो में, मिलते हैं आपको आगे। दोस्तों ये है बजरंगबली और ये मंदिर है अपना, तुम्हारे भाई का। दोस्तों इस मंदिर पे एक कमेंट आपकी जरूर मिलनी चाहिए, जय श्री राम की। दोस्तों आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, एक कमेंट जरूर दिलवाना, ठीक है। दोस्तों कर लीजिए दर्शन भगवान हनुमान जी के। ये है दक्षिण मुखी हनुमान जी और ये अपने परिवार वासी है सभी। दोस्तों ये है हमारे चेयरमैन साहब और अपने बड़ी है प्रिय हैं, हम इनके बच्चे हैं, पति है। तो कुछ कहना चाहते हैं हमारे सब्सक्राइबरों से यूट्यूब पे। जन्माष्टमी की सबसे पहले तो समस्त देशवासियों को जन्माष्टमी की, श्री कृष्ण के प्रकटोत्सव के शुभ अवसर पर पूरे देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और मेरा सभी से यही कहना है कि इस सौहार्द पूर्वक ये जो हमारा त्योहार मनाया जा रहा है, भगवान श्री कृष्ण का प्रकटोत्सव, उसे हंसी खुशी मनाए और उसका आनंद परिवार के साथ उठाए।
और अपनी गांव बस्ती में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखे और इसी तरह भगवान में अपनी आस्था बनाए। ये जो भगवान का प्रकटोत्सव है ये ईश्वर में सनातन धर्म में आस्था व्यक्त करता है और जितने भी सनातनी है अपने परिवार के साथ सौहार्द पूर्वक इस त्योहार को मनाए। सनातन धर्म में इससे बड़ा त्योहार श्री कृष्ण जन्माष्टमी से बड़ा त्योहार दूसरा कोई नहीं है। भगवान का अवतार आज के दिन हुआ था हम लोगों की मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए, पृथ्वी के भार को हरने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए। जिस तरह से श्री कृष्ण भगवान ने जन्म लिया था उसी तरह हमारे प्रदेश में योगी की सरकार है। वह जिस तरह से योगी आदित्यनाथ सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर रहे हैं उनका सहयोग करें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार मुझे अपने भतीजे को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। श्री कृष्ण प्रकटोत्सव पर समस्त देशवासियों को एक बार को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और इस त्योहार का आनंद अपने परिवार के साथ मनाएं और भगवान के चरणामृत लेकर अपने परिवार का कल्याण और देश का कल्याण करें। बोल भगवान कृष्ण भगवान की और राधा रानी की जय जय श्री राम। हर हर महादेव जी। हम क्या तुम क्या हो तुम आप पर भाई अपने पुराना आदमी भाई दोस्तों ये हमारे चाचा श्री और ये हमारा फ्रेंड तो दोस्तों ये देखो ये जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ भैया बहुत पुराने मित्र हमारे दूसरा फोन बता रहा हूँ दोस्तों ये है हमारा मित्र क्या नाम है इसका कमेंट करके आप ही बताएं क्या नाम है इसका ठीक है तो जल्दी अभी भी लुक तो आ रही है मेरा फैशन खराब हो जाएगा। गांव तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपने गांव और ये है हमारे गांव का सबसे प्राचीन मंदिर शिव मंदिर। तो आप वो कराएंगे अब दर्शन अंदर चल के तब तक मिलाते हैं अपने फ्रेंडों से आपको। जय श्री राधे। ये हमारे सबसे पुराने मित्र हैं दोस्तों और मेरे का नाम है सुनील चौधरी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सरकार आपकी अच्छी वीडियो। ये आ गए हमारे चाचा श्री। मिलिए आप सभी हमारे मित्रगणों से। ये हमारे पूरे गांव के मित्रगण हैं आज बहुत दिन बाद अपने गांव में आए और आपको सभी से मिलाएंगे बारी बारी से। और चलो पहले कराते हैं मंदिर के दर्शन और मंदिर के दर्शन के बाद में आपसे मुलाकात करेंगे। आज लाइव आने वाले हैं तो लाइव में भी आप जुड़े रहे हमसे ठीक है। दोस्तों ये है अपना मंदिर प्राचीन शिव मंदिर। जय शिव जय बोलेगी राधे राधे राधे।
अरे ये जो है ना राधा रानी और कृष्ण भगवान झूला झूले हैं। जय जय श्री राम। दोस्तों आ चुके हैं अपने गुरुजी के यहाँ पे और आज आपको एक ऐसी चीज दिखाने वाला हूँ कि आपके आपका मन खुश हो जाएगा। ठीक है, देखो अभी मैं आपको एक चीज दिखाने वाला हूँ, ये देख। अभी शीशा लगा बेटा, ये दोस्तों बहुत सुंदर चीज है। ये है आर्ट, ये आर्टिस्ट, ये चार दिन ने बनाया। मेरे से तेरी 15 दिन लगता है ऊपर डालने बढ़िया। ये लाइक सब्सक्राइब और ज्यादा कस्टमर कस्टमर। तो दोस्तों ये सीनरी है और ये हमारे गुरुजी हैं। अगर आपको आज करवाना है और ये बनाते हैं इनको, और ये हैं हमारे गुरुजी कृष्णा भैया और यही बनाते हैं। और दोस्तों जिस भाई को इस तरह की सीनरी अपने घर के लिए, अपने दुकान के लिए, अपने ऑफिस के लिए या अपने किसी भी जगह के लिए अगर बनवानी है दोस्तों संपर्क कर सकते हैं। मैं नंबर मेंशन कर दूंगा और अपना भी नंबर मेंशन कर दूंगा। जो भी भाई कमेंट कर सकता है, नंबर पे कॉल कर सकता है। और दोस्तों अगर मेरे द्वारा मेरी वीडियो देख के आप आओगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। बिल्कुल डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, ऐसी सीनरी आपको दुनिया में कहीं नहीं मिली है क्योंकि ये सारी चीज खुद से बनाते हैं। कोई मशीन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ अपने हाथ से, अपनी कारीगरी से, अपने दिमाग से ये तैयार करते हैं। तो दोस्तों जरूर अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, आपको कुरियर से पहुंचाएगी इंडिया के किसी भी कोने में हो आप। ठीक है दोस्तों, बाकी ये बता देंगे। ये मेरी हॉबी है आर्ट में, पहले से ही मेरा मन था तो मैंने सोचा कुछ ऐसा किया जाए जो कहीं ना हो, तो मैं फिर इस टाइप की सीनरी शोपीस बनाता हूँ। और ऐसी बात नहीं, कस्टमर बहुत आते हैं मेरे पास। ठीक है, लेकिन मेरी मेरा भाई है, छोटा है पवन, और मेरे गुरु का भी दर्जा दे रखा है। इस बच्चे की बात माने, जैसी भी आपकी बात हो भाई सुनेगा। और
मुझे अच्छी तरह फॉलो करें, लाइक करें इसको। दोस्तों आपको जिस भाई को इस चीज में अगर रुचि है, क्योंकि आपको पता है आपका भाई धार्मिक वीडियो डालता है, और जो भाई मेरी ये वीडियो देख रहा है और कमेंट में नंबर पे कॉल कर सकता है, डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा आपको और स्क्रीन पे भी चल रहा है नंबर, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो भी भाई देना चाहता है कमेंट करें, लाइक करें। Thank you for watching Kunal Pandit Vlog. Subscribe please my channel.